हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनी अपडेट। आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार GDS रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, बिहार GDS का जो मैसेज आ रहा है, सभी लोगों की सिलेक्शन हो गया है, तो क्या ये मैसेज सही है, ओरिजिनल है? तो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक देखिए, आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, यूट्यूब में पिछले 2-3 दिन से बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं कि रिजल्ट आ गया है, बिहार का रिजल्ट आ गया है, क्या ये वीडियो सही है? तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को प्रूफ के साथ बताता हूँ कि यह सही है कि गलत है। दोस्तों, मैंने ये सब वीडियो देखने के बाद मैंने उस पर भी कॉल करने की ट्राई किया है, लेकिन बिजी आ रहा है, मेल भी किया है, अभी तक उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है। आप लोग भी कॉल कर सकते हैं। इधर होम पेज पे जाने के बाद आप लोग हेल्प टैक्स में क्लिक करना है और इधर थोड़ा नीचे आके देख रहा है कि हेल्पलाइन नंबर है और उसके साथ अगर ईमेल आईडी है, ऑफिशियल ईमेल आईडी है बिहार का, आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को और एक प्रूफ है, जो वो प्रूफ आपको दिखाना चाहता हूँ। बिहार का एक कैंडिडेट का ये मैसेज आया है कि उसका सिलेक्शन हो गया है, उसका 14 तारीख में ये मैसेज आया है, लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट टाइम ऑनलाइन ग्रामीण डाक सेवक एंगेजमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, देख सकते हो रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम विजय कुमार, फादर नेम दिया है, डेट ऑफ बर्थ दिया है, हैज़ बीन सिलेक्टेड फ्रॉम बिहार। दोस्तों, ये मैसेज आने के बाद तो उसने ये स्क्रीनशॉट लेके उसने ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखा है, डियर सर, सम ऑफ द एप्लीकेंट गेटिंग मैसेज ऑफ देयर सिलेक्शन इन बिहार GDS बिलो द स्क्रीनशॉट ऑफ मैसेज, प्लीज हेल्प अस फ्रॉम दिस एंड टेल द डेट ऑफ बिहार GDS रीजन। दोस्तों, बाद में उसका 15 तारीख में उसका रिप्लाई आया है इंडियन पोस्ट से, उसका फिर आप लोग देख सकते हैं कि सिंस मेरिट लिस्ट अंडर स्कूटनी मैसेज फॉर बिहार हैव नॉट बीन सेंड टू एनी कैंडिडेट्स, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डज नॉट मेक एनी फोन कॉल्स SMS टू द कैंडिडेट पोस्टिंग एनी मनी, सिलेक्शन कैंडिडेट इज गेटिंग सिस्टम जनरेट SMS ओनली फॉर हिज सिलेक्शन। दोस्तों, आप लोग साफ साफ देख रहे हैं कि ये इंडियन पोस्ट से रिप्लाई आया है उस कैंडिडेट का, तो इधर लिखा है कि ऑफिशियल कोई भी मैसेज नहीं आएगा और कॉल भी नहीं है कि उसको किसी को भी पैसा देने का ज़रूरत नहीं है, सिलेक्शन कैंडिडेट इज गेटिंग सिस्टम जनरेट SMS, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएगा उसको मैसेज के द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा, और फेक मैसेज, जो मैसेज स्क्रीनशॉट में देखा है वो मैसेज फेक है, मैसेज ऐसे नहीं आएगा, वो मैसेज थोड़ा अलग है, आप लोगों को वो मैसेज जब मिल जाएगा तो पता चलेगा कि यह मैसेज गलत है और जो मैसेज ओरिजिनल है वो थोड़ा अलग है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।